हेलो हेलो इधर दो बुकलेट है क्या किसी के पास? रुको, इधर है क्या? दो, एक दे दो मेरे को, उधर पीछे से दे दो, पीछे से। मैंने आप लोगों को कुछ सवाल करने को दिए थे, है ना? क्या क्या क्वेश्चंस थे? अच्छा, चलो पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पेज नंबर 10 टाइप 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सवाल नंबर 1। वो टाइप 7 जो है ना, पेज नंबर 10 टाइप 7 है ना। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा और बीटा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, सवाल है ना, साइड बाय साइड दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए, अल्फा बीटा एक इक्वेशन के रूट्स हैं। क्या है इक्वेशन? अल्फा बीटा मूल हैं किसी समीकरण के, देखिए वो मूल है, रूट्स हैं। किसके रूट्स हैं? क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस क्यू वन प्लस एक्स माइनस आर बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस क्यू वन प्लस एक्स आगे माइनस आर बराबर जीरो है ना। माइनस आर इज इक्वल टू क्या आएगा? जीरो, ठीक है। किसका वैल्यू निकालना है? वन प्लस अल्फा और वन प्लस बीटा का। हमें निकालना है वन प्लस अल्फा और वन प्लस बीटा का। अब हमें यह तो नहीं पता ये कैसे निकालना है, लेकिन हमें एक चीज सीखी है कि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है पढ़ा था क्या कल हमने कुछ ऐसा? क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? मतलब बोलते क्या है इसको? सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग हो रहा है ना, मूलों का योग, और ये मूलों का गुणनफल। क्या फॉर्मूला होता है इसका? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन है। अब देखिए, वन का गुणा इसमें भी होगा, वन का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे वन आएगा, वन का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बीटा आएगा। वैसे ही अल्फा का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, अल्फा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो अल्फा आएगा, और अल्फा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा या नहीं? बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात, है ना? तो वन का मल्टीप्लाई इसमें भी है ना, अल्फा का मल्टीप्लाई इसमें भी, क्लियर। अब देखिए, हमें अल्फा प्लस बीटा भी निकालना आता है, अल्फा इंटू बीटा भी निकालना आता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल के यहां रखेंगे, ये सवाल सीखना जरूरी है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल के यहां रखेंगे। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए कैसे निकालूं अल्फा प्लस बीटा, क्या करें, कैसे फाइंड आउट करें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, क्या कर दें? बी का मान क्या रखूं बताइए? सॉल्व करना पड़ेगा, सुनिए मेरी बात। क्या है कहानी, आपका इक्वेशन बी और ए का वैल्यू निकालने के लिए आपका इक्वेशन किस रूप में होना चाहिए? यह है ना बेसिक फॉर्म, इस रूप में लाना पड़ेगा इसको पहले, उसके बाद इससे इसको कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू सिलेक्ट कर पाएंगे जो हम यहां रखेंगे। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। इसके जैसा इसको बनाने का मतलब है कि पहले टर्म में एक्स स्क्वायर होता है, पहला टर्म तो ऑलरेडी सेट है, दूसरा टर्म एक्स वाला आना चाहिए, यहां पे गड़बड़ है, नहीं दिख रहा है एक्स अकेला बाहर, है ना? इसके जैसा नहीं दिख रहा, बस इतना समझ में आ रहा है। इसके ऐसा बनाने के लिए काम करते हैं,
क्यू का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, तो माइनस क्यू और माइनस क्यू एक्स, माइनस आर, माइनस भी जाएगा ना, तो माइनस क्यू माइनस क्यू एक्स हो जाएगा ही। अब इसको कैसे लेके, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के ठीक बाद एक्स वाला पद आना चाहिए, टर्म आना चाहिए, तो एक्स वाला टर्म कौन सा है इसमें, माइनस क्यू एक्स, माइनस क्यू एक्स, और बाकी सब उधर भेज दीजिए, माइनस क्यू माइनस आर उधर पे चला जाएगा। ये काम आपको करना पड़ेगा, है ना, इस फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा, इस फॉर्म में आ गया है अब ये। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए, करे कंपेयर, ए की जगह वन ने ली हुई है क्या, ए की जगह कुछ नहीं मतलब वन है, बी की जगह किसने ली है, माइनस क्यू ने, बी की जगह किसने कवर की हुई है, माइनस क्यू ने, और सी की जगह, सी की जगह माइनस क्यू माइनस आर, सुनिए, सी की जगह, यहां पे सी की जगह माइनस क्यू माइनस आर रखोगे तभी तो ऐसा बन पाएगा ना, सी का वैल्यू क्या रखोगे यहां पे कि ऐसा बन जाए, माइनस क्यू माइनस आर रखोगे तभी तो ना ऐसा इक्वेशन फॉर्म होगा, इट मीन सी का वैल्यू क्या बना, माइनस क्यू माइनस आर, बी की जगह क्या रखोगे, माइनस क्यू, बी की जगह माइनस क्यू रखोगे तभी ना ऐसा बनेगा, ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू माइनस क्यू और सी का वैल्यू माइनस क्यू माइनस आर। अब रख देते हैं हम बी और ए का वैल्यू, चलिए बी का वैल्यू कितना रख दे, माइनस क्यू, हमें अल्फा प्लस बीटा, देखो हमसे पूछा इसका मान, लेकिन हम जानते हैं कि इसका वैल्यू तो निकालना नहीं आता, लेकिन हमने क्या सीखा है, क्या सिग्नल आपका दिमाग आपको देगा कि हमने ये दो चीज सीखी है कि नहीं सीखी निकालना, तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि यार अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा पूछता तो निकाल के दे देता, लेकिन ये नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सा दिमाग लड़ा लेके इसको हल करके, इसका फॉर्म चेंज करके अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा आ जाएगा, तो फिर तो आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा निकाल के यहां लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, डरना मत, इससे ये काम आपको करना पड़ेगा, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा, और क्वेश्चन वाला हमें वही चीज पूछेगा जो सॉल्व हो जाएगी आगे जाकर, सीधी सी बात है, कुछ भी थोड़े ना बनाएगा, ऐसा ही रिलेशन बनाएगा जो कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा जैसा दिखे आगे जाकर, ताकि आप वैल्यू लगा पाए और आंसर तक पहुंच पाए, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है कहानी, सुनिए, तो चलो बी का वैल्यू पुटअप करें, क्या पुटअप करें, माइनस क्यू, और ए का वैल्यू वन, तो माइनस माइनस प्लस, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा केवल क्यू आएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग कितना आया, ओनली क्यू, क्लियर। अब अल्फा इंटू बीटा हमें फाइंड आउट करना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, चलिए सी कितना है, बोलो सी कितना है, माइनस क्यू माइनस आर, और ए कितना है, वन, तो वन लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं ना, अपॉन में वन मतलब कुछ नहीं, तो माइनस क्यू माइनस आर किसका वैल्यू है, ये अल्फा डॉट बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्यू रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख देंगे, माइनस क्यू माइनस आर, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देते हैं क्यू, वन प्लस क्यू, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रख देते हैं क्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, क्यू, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, माइनस क्यू माइनस आर, तो रख देते हैं माइनस क्यू माइनस आर। अब ये प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट स्टेप में जाकर ये कैसा हो जाएगा, वन प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस आर हो जाएगा क्या, ऐसा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसल, आंसर केवल वन माइनस आर आएगा क्या, तो इसका आंसर बनेगा वन माइनस आर, दिख रहा है ऑप्शन में, ठीक, कॉपी करिए इसको, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी ओर से दिए है ना, जो थोड़े से ट्रेंडी है, ट्रेडिशनल है। थोड़ा जल्दी कॉपी करेंगे और कोई डाउट हो तो पूछिए आप।
लेना मुझसे क्लास के बाद।